मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग, मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे, अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है, तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है जो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है, किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है, देश में उस विधा को खड़ा किया है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा, मैंने वो काम छोड़ दिया 2 मई 2021 को, राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं, उस चीज को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने हो, किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है, हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा, इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने, अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मैंने कहा कुछ बात आपने सुनी नहीं। अगर जन सुराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जन सुराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूँ। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी, हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों का जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहता हूँ। जो भाजपा का कोई प्रवक्ता होगा, वो उसका आका यहाँ पर जो राज्य का लीडर होगा, उसका आका दिल्ली में बैठता होगा, उसके आका होंगे मोदी जी, उनके साथ हमने काम किया है, इनकी बात का क्या जवाब दें।